है दोस्तों, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। जो कार्य आपके 2022 में नहीं होते, वो सारे ही कार्य आपके 2023 में पूरे हों, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं आपकी यशोदोष यशोदा अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूँ। सप्ताह का पहला सप्ताह जो कि 2 जनवरी का है, 1 जनवरी को रविवार है, उसके लिए मैं विशेष वीडियो आपको दे चुकी हूँ। आज ये सप्ताह भर का आपको राशिफल बताने जा रही हूँ। आपके लिए ये पहला सप्ताह कैसा जाने वाला है, क्या आपको सावधानियाँ रखनी है और क्या आपको उपाय कर लेने चाहिए। दोस्तों, जहाँ आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं, वो तो आपके हर दिन को लकी बनाना शुरू करते ही हैं, तनाव से आपको मुक्ति दिलाते हैं, समृद्धि और सुख शांति लाते हैं आपके घर में। वही ये राशिफल का उपाय आपको और अधिक आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। जब आप इन उपायों को करने लगते हैं तो आपको और किसी उपाय की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आप ग्रहों के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। ये जनरल उपाय होते हैं, इन्हें करने से आपको फायदा ही मिलता है, कोई नुकसान किसी भी तरह का नहीं होता है। ये आप पहले गांठ बांध लीजिए। आप अगर ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं और आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आपको ऐसी ही जेन्युइन जानकारियां देती हूँ, और आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन यानी बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर वास्तु शास्त्री न्यूमरोलॉजी का ज्ञान रखती हूँ, डेली यूट्यूब पर अपने वीडियोज अपलोड करती हूँ, साथ में आपको आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ और बताती हूँ कहीं आपकी कुंडली में ऐसे कोई दोस्त तो नहीं है जिसकी वजह से आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, या आपकी समस्याओं में कहीं ना कहीं कहीं आपका नाम तो कारण नहीं है, या अन्य कोई ऐसी क्या वजह हो सकती हैं जिन्हें कि आप अपने ही द्वारा दूर कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। दोस्तों, 2023 केतु का वर्ष है। ये केतु आपके लिए कैसा रहने वाला है, जनरल मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं वीडियोस दे चुकी हूं इसके ऊपर, आज मैं फिर बता देती हूं आपको। केतु अध्यात्म का ग्रह है। जहां राहु को बहुत अधिक अशुभ फल देने वाला माना जाता है, वहीं केतु को अध्यात्म की तरफ जोड़ता है। लेकिन अगर यही केतु खराब हो जाता है तो आपको भ्रामक बीमारियां, भ्रामक रोग, मन की भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। आपको बार बार हलुजेशन, जिसको कहते हैं कि कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं, आपको ऐसा एहसास होता है कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई टोना टोटका कर रहा है, आपको कोई वशीकरण कर रहा है, इस तरह की आप गलतफहमियां आपके मन में पनपने लगती हैं। अगर ये केतु आपका खराब होता है तो आपके ऊपर ये किया कराए तुरंत प्रभावी भी हो जाता है। मैं गलतफहमियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इस तरह के आपको बार बार आभास होते हैं। और जब आपके ये केतु ही आपके लिए अगर कारक नहीं है, अष्टम में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, लग्न पर बैठा है, कहीं से भी आपके दृष्टि संबंध आपके लग्न से बन रहा है, तो ये आपको चंद्रमा से बन रहा है आपके, तो आपके ऊपर बहुत ही जल्दी तंत्र मंत्र का प्रयोग हो जाता है। तो इस वर्ष विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ मैं उपाय दे रही हूँ। इससे पहले जो मैंने संडे का वीडियो दिया है, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। उसमें मैंने ऐसे ही जनरल उपाय दिए जिन्हें हर व्यक्ति कर सकता है, ना राशि पता हो ना लग्न पता हो, और करना भी चाहिए। वर्ष भर आप चाहते हैं आपको हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिले, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको इसमें आई बटन में आपको इस पर वीडियो लगाकर दूंगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ष का पहला सप्ताह सोमवार से शुरू होगा, जो कि 2 जनवरी से लेकर आपको मैं ये राशिफल देने जा रही हूं 8 जनवरी तक। कैसा जाने वाला है आपके लिए ये सप्ताह? आपके लिए मेष राशि के हैं आप, तो आपके लिए ये सप्ताह आपके लिए नई सौगात लेकर आया है। सरकार से संबंधित आपका कोई कार्य अटक रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप धन की कामना कर रहे थे, धन भी आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन का समय आप क्रय करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए संभव होगा। पैतृक संपत्ति के लिए कोई आपका कोई केस चल रहा है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी और अचानक से ही आपको इसकी प्राप्ति भी हो जाएगी। जॉब बिजनेस व्यवसाय में आपको सफलताएं मिलेंगी, तरक्की मिलेंगी। ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, पूरा ही सप्ताह आपके लिए आपके जॉब और बिजनेस से लेकर आपके पारिवारिक माहौल को लेकर बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है तो अपने और अपने परिवार यानी कि
पार्टनर के स्वास्थ्य की। कहीं ना कहीं आपको पेट से रोग संबंधित हो सकते हैं, आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, नाक कान गले की तकलीफ हो सकती है। इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, छोटी सी ही बीमारी बड़ा विकराल रूप ना रख ले, तो उसके लिए आप समय रहते आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। आज आपको इस समय, इस सप्ताह पूरे ही आपको एक तो सूर्य को रोली हल्दी डालकर जल चढ़ाना है और दूसरा 2 पत्ते तुलसी के आपको अवश्य सेवन करने हैं पूरे सप्ताह। ये सप्ताह आपके लिए सभी तरह से आपको लाभ देकर जाएगा। बात करूं वृष राशि के लिए, वृष राशि के लिए शुरुआती दिन में एक दो दिन में आपका सप्ताह थोड़ा आपका रोग बीमारियों में जा सकता है, चोट चपेट की आपके संग दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, कहीं कोई इस तरह का कोई भी दुर्घटना ना हो जाए। थोड़ा सा शत्रुओं से अपने बचाव करके चलिए, कोई शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसके बाद जो सप्ताह आपके लिए आएगा वो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा, आपके अंदर वो एनर्जी मिलेगी आपको, आपके हर कार्य पूरे होंगे, चाहे आप जॉब में हों व्यवसाय में हों, सफलता मिलेगी आपको, सफलता के यहाँ पर आपके लिए मार्ग खुले हुए हैं, तो धन आपके पास आएगा भी और प्रचुर मात्रा में आएगा। आप किसी भी कहीं आप धार्मिक यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए संपन्न होगी और आप अच्छे से धार्मिक यात्रा करके आ सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए, बात करूं बच्चों के भविष्य की, तो बच्चों के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए बेनिफिशियली दिखाई दे रहा है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर आपको पढ़ाई में भी आपको बहुत अधिक मदद मिलने वाली है, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। आपको चाहिए नियमित आपको केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाना है, दूसरा आपको शिवलिंग कर आपको सोमवार आपको काला तिल जरूर अर्पित करना है। तो ये सप्ताह आपको सोमवार ही पड़ेगा, शिवलिंग पर आप काले तिल अर्पित कर दीजिए, पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। बात करूं कर्क राशि और सॉरी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपके लिए आपके हर कार्य को बनाना शुरू करेगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, लाभ के अवसर बार बार आपको मिलेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे आपको सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। बस चाहे आप व्यवसाय में हो चाहे आप नौकरी में हैं, आपके संतान की उत्पत्ति के लिए आप सोच रहे हैं, किसी बच्चे को प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, बच्चों का सुख भी आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, वाणी से संबंधित तो आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। बस ध्यान रखने वाली आवश्यक बात है कि आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपके शब्द कुछ हार्श ना हो जाएं जो कि आपके कार्य को बिगाड़ दें, तो किसी से भी बातचीत करते समय थोड़ा सा पोलाइट रहिए, यानी कि अपने व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 12वें घर में मंगल आपको ये परेशानियां दे सकता है। आपको चाहिए गणेश जी को पूरे सप्ताह आप दूर घास अर्पित करते जाइए, साथ में ही सूर्य के सामने खड़े होकर ओम आदित्यय नमः मंत्र का आप जाप करेंगे, ये सप्ताह आपको सभी तरह के सुख प्रदान करेगा। बात करूं कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए सप्ताह आपके भाग्य का साथ दिलाएगा, आप जॉब व्यवसाय में आपको तरक्की उन्नति दिलाएगा, लाभ के अवसर मिल रहे हैं, संतान का सुख आपको दिखाई दे रहा है, शिक्षा का आपको सुख दिखाई दे रहा है, शिक्षा चाहते हैं, शिक्षा में कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता दिखाई दे रही है। आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको नाक कान गले की तकलीफ हो सकती है या फिर आपको चेस्ट में कंजक्शन यानी कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो सकती है, तो थोड़ा सा बचाव करके चलिए। वैसे भी इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा जलवायु के परिवर्तन की वजह से कफ एंड कोल्ड फैला हुआ है, आपको संक्रामक बीमारी ना हो उसके लिए एक तो फिटकरी का कुल्ला आपको पूरे सप्ताह करना है, चुटकी भर फिटकरी मुँह में घुमाइए कुल्ला कर दीजिए, दूसरा शिवलिंग पर नियमित आपको सादा जल अर्पित करते चले जाइए, पूरा सप्ताह आपको लाभ के रास्ते आपके खुले रहेंगे। बात करूं सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ये सप्ताह आपके आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा, सोचे अटके हुए कार्य जो आपके बहुत समय से पूरे नहीं हो रहे थे उनमें गति आ जाएगी, सफलताएं मिलेंगी आपको, आपको जॉब व्यवसाय नहीं था आपके पास, जॉब नहीं थी, जॉब के अवसर आपको मिलेंगे, लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो यहाँ भी आपके सफलता के मार्ग खुले हुए हैं,
चाहिए तो अपने ऊर्जा को बना कर रखने के लिए। तो एक, सूर्य के सामने खड़े होकर आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा, आपको हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे, ओम हनुमंते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा। थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी या पेट में एलर्जी, गैस एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, तो अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो ये समस्या आपको नहीं रहेगी। सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल हो जाएगा। बात करूं कन्या राशि की, कन्या राशि के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। आपको थोड़ा सा अपने, अगर आप ससुराल पक्ष से जुड़े हैं, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। इस सप्ताह आपको अपने कोई भी आपके सीक्रेट हैं किसी से नहीं कहने हैं, अपने सीक्रेट अपने तक ही रखिए। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपना सीक्रेट किसी से कहेंगे आप पूरे सप्ताह परेशान रहेंगे, नहीं बल्कि पूरे वर्ष परेशान रहेंगे, ये आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और ये आपको पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखने हैं। ये कन्या राशि के लिए विशेष है। अगर आप अपने सीक्रेट्स अपने किसी भी सहयोगी से भी कह देंगे तो वो काम आपका इस वर्ष नहीं होगा। तो ये आपके लिए विशेष टिप है कन्या राशि वालों के लिए कि आपने कोई भी सीक्रेट आपको किसी से भी नहीं बतानी है जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो जाए। इसके साथ ही आपको धनागमन के मार्ग खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रही है तो यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बचकर चलेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा। संतान का सुख आप चाहते हैं तो जरूर मिलेगा आपको, संतान से भी सुख मिलेगा। बात करूँ रोग बीमारियों की तो यहाँ आपको इन्फेक्शन होने का डर है, स्किन इन्फेक्शन का डर है, तो बस थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। आपको लगता है स्किन की परेशानी कुछ हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी फिटकरी मल दीजिए, साफ पानी से धोइए, कोई क्रीम लगा लीजिए तो ये इन्फेक्शन आपका बढ़ेगा नहीं। उपाय के तौर पर आपको चाहिए, आपको दुर्गा जी की आराधना करनी है और साथ में ही ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हो जाएगा। बात करूँ तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके लग्न पर सूर्य आएंगे और आपको आत्मवृद्धि होगी आपकी, क्योंकि राहु आपके हैं, सप्तम में केतु बैठे हैं जो आपके बल को और अधिक बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आपके लिए सफलता के मार्ग खुले हुए हैं, आपको सभी तरफ से लाभ के रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, विदेश से कोई जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता आपको पूरी मिलने वाली है। आपको ध्यान रखना है तो बस इतना कि बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो जाए इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके लिए मैं अपने संडे वाले वीडियो में एक उपाय दे चुकी हूँ कि तेज पत्ते का पानी यूरिन इन्फेक्शन में एक आपको होम रेमेडी जो है, ये आपको तुरंत रिलीफ दिलाती है। तो आप एक तेज पत्ते का पानी पूरे हफ्ता आप उबाल कर पीते रहेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। उपाय के तौर पे आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और साथ में ही संध्या के समय आपको ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होगा। बात करूँ वृश्चिक राशि के लिए तो सप्ताह के पहले ही दिन से आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाहर सोच समझ कर चलाइए, रात्रि के समय दूध मत पीजिए क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं चोट चपेट की समस्या आपके साथ में दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वाहन चलाते समय। इसके अलावा जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, जीवन साथी से सुख दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप से आपको लाभ के रास्ते खुले हुए हैं, आपको धन आगमन के आपके मार्ग खुले हुए हैं, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, सारे कार्य आप जो सोच रहे हैं वो आपके पूरे होंगे। बस एक स्वास्थ्य ही आपका यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए एक तो आपको केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाना है, साथ में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करते चले जाएंगे, आपका सप्ताह बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा। बात करूं धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अभी आप शनि की साढ़े साती के दौर से भी गुजर रहे हैं, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आपके कार्य अटक अटक कर हो सकते हैं। इसके आपको मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं।
ध्यान रखना है तो बस इसी बात का कि बस अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनके प्रति कोई किसी भी तरह का आप लापरवाही मत बरतिए। अपने माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। संतान के साथ में भी अपना थोड़ा सा आपका जो संबंध है वो कहीं भी किसी भी तरह से आपका बिगड़ने ना पाए, क्योंकि यहाँ आपके लिए सभी तरफ से आपको लाभ के रास्ते तो खुले हुए हैं। आप विवाह योग्य हैं, विवाह के रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह का रिश्ता तय भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है सप्ताह आपके लिए फायदेमंद ही है। कुछ छोटी छोटी से परेशानियां हैं तो उसके लिए आपको चाहिए, एक आपको गाय को चारा डालिए, हर बुधवार को आपको गाय को चारा डालना है। साथ में ही आपको सूर्य के जल में हल्दी डालकर आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो ये आपके लिए सप्ताह पूरा आपके हर सोचे अटके कार्य को पूरा करेगा। बात करूं मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से आपको लाभ प्रदान करेगा। आपको आप जो भी कार्य सोच रहे हैं उसमें आपके गति आ जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है आपके लिए। आपको जीवन में जिसकी भी आपने चाह रखी है इस सप्ताह आपके लिए पूरी होगी, क्योंकि ये वर्ष अब शनि राशि परिवर्तन करके जब कुंभ में चले जाएंगे तब तो और आपके लिए और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके उतरते हुए शनि की 7:30 हो जाएगी। तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला से ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आपको थोड़ा सा अपने कफ एंड कोल्ड का ध्यान रखना है, यानी कि जुकाम खांसी और एलर्जी का ध्यान रखना है। तो ये सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से अच्छा रहेगा। संतान का सुख मिलेगा आपको, पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा रहेगा। चौतरफा आपके लिए लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। आपको चाहिए सुबह आपको एक तो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते रहिए, संध्या के समय आपको ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का आप जाप करते रहेंगे, ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। बात करूँ कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। आपके अगर कहीं आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रास्ते खुले मिलेंगे, आपके लिए क्रय कर भी पाएंगे आप। बहुत दिनों से आप जो पेंडिंग पड़ा था काम वो आपका पूरा होगा। संतान का सुख मिलेगा आपको, आपके सोचे अटके सारे ही कार्य यहाँ पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि एलर्जी से बचना है, आपको कफ एंड कोल्ड की शिकायत से बचना है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है, संतान के लिए आप कहीं उसकी शिक्षा में आपको कोई बाधा आ रही थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि माता को किसी तरह का कोई बीमारी होने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। आपको चाहिए एक तो शनि मंत्र का आपको जाप जरूर करना है, ओम शम शनेश्वराय नमः संध्या के समय, और सुबह आपको चाहिए सूर्य के सामने खड़े होकर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बात करूँ मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए आपको धन के अटके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपके सरकार से जुड़े हुए हर कार्य में आपके गति आ जाएगी। हर कार्य आपके सोचे हुए सभी कार्य आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। इस समय का आप सदुपयोग कीजिए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विवाह चाहते हैं, विवाह भी आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है वो पक्का हो जाएगा। किसी भी तरह का यहाँ पर आपके लिए तो कोई समस्या दिखाई दे ही नहीं रही है। ध्यान रखिए कि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। सबसे पहले तो एक गणेश जी की आराधना जरूर कीजिए। गणेश जी को आप धूप घास अर्पित करते रहिए, ओम गंगापते नमः का मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए कि आपको शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते रहेंगे तो और भी अधिक आपके लिए लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरे सप्ताह का 12 राशियों का हाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इस सप्ताह सभी राशि वालों को, सप्ताह नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी साल में, आपको सभी राशि वालों को अमावस्या तिथि पर किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराना है। वो कोई गरीब व्यक्ति किसी मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी हो सकता है, आपके यहाँ आने वाला कोई भिखारी हो सकता है, आपको नहीं मिलता है तो वो आपकी मेड भी हो सकती है या हो सकता है
आपके घर में काम करने वाला कोई वर्कर, उसकी आप मदद कर सकते हैं, खाने पीने का सामान दिला सकते हैं या भोजन भी करा सकते हैं। जब हम किसी के भोजन की व्यवस्था करके देते हैं तो प्रकृति हमको वापस उतना ही रिटर्न करती है, उसका 10 गुना रिटर्न हमको मिलता है। तो अगर हर अमावस्या पर, जो कि पितरों के लिए भी होती है और केतु पितरों के ही लिए माने जाते हैं, यहाँ से आपका केतु शुभ होना शुरू हो जाता है, तो आप हर महीने की अमावस्या तिथि पर किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो ये वर्ष आपके लिए धन के भंडारे आपके भरे रहेंगे। दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी जीवन में जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। बीसा यंत्र चाहिए, शुक्र यंत्र चाहिए, आजीवन रक्षा कवच चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मेरे अमृत के बूंद और जादुई अक्षर भी करने चाहिए। आप उन्हें भी करते रहते हैं तो भाग्य आपको दिनों दिन आपका साथ देने लगता है और आप जल्दी ही अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपको और आपके परिवार को साल की, इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।